फूल फूल तरह के फूल, रंग बिरंगे लाल पीले, कितने तरह के होते हैं नाजुक पत्तियों खुशबू वाले। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही प्रिटी कलरफुल फ्लावर जिसका नाम है क्राइसैंथेमम। इसका बॉटनिकल नेम है डेंडेंथ्रीमा ग्रैंडीफ्लोरा। इसे गुलदौदी और सेवंती के नाम से भी जाना जाता है। आज हम इसके पूरे एस्पेक्ट में बात करेंगे ताकि आप भी अपने घर में ऐसे रंग बिरंगे बहुत सारे क्राइसैंथेमम ग्रो कर पाए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। ये जो फ्लावर है इसका ओरिजिन हुआ है चाइना में। क्राइसैंथेमम के बहुत अलग अलग तरीके के इनफ्लोरेसेंस पाए जाते हैं। हज़ार से भी ज़्यादा अलग अलग तरीके के इसका जो फ्लावरिंग टाइप है वो होता है। तो सबसे पहले अगर हम इसके सॉइल की बात करें तो इसे सैंडी लोमी सॉइल की ज़रूरत होती है जिसमें प्रॉपर ऑर्गेनिक कंटेंट हो ताकि आपका फ्लावरिंग बहुत अच्छे से हो सके। ये एक शॉर्ट डे प्लांट है। शॉर्ट डे का मतलब कि इसे दिन में लगभग 8 से 10 घंटे की धूप चाहिए प्रॉपर फ्लावरिंग होने के लिए। क्राइसैंथेमम में कुछ इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस होते हैं जिससे आप क्राइसैंथेमम की फ्लावरिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला होता है पिंचिंग। पिंचिंग में आपको क्राइसैंथेमम की जो स्टेम है इसको आप सिंपली प्रून कर देते हैं ताकि वो नई ग्रोथ हो सके। दूसरा होता है डी शूटिंग। इसमें आप जो अनवांटेड शूट्स हैं उसको रिमूव कर देते हैं ताकि जो प्लांट का न्यूट्रिशन है वो पूरी तरीके से फ्लावर की ओर केंद्रित हो जाए। तीसरा होता है डिसबडिंग। अगर आपके प्लांट में बहुत सारे बर्ड आ गए हैं तो आपका जो प्लांट का न्यूट्रिशन है वो हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इससे आपकी फ्लावर की क्वालिटी डिक्रीज हो सकती है। इसलिए आपको जो एक्स्ट्रा बर्ड्स हैं उनको निकाल देना है। क्राइसैंथेमम का जो कॉमर्शियल प्रोपोगेशन है वो टर्मिनल स्टेम कटिंग से होता है। ये आप अगस्त से सितंबर के माह में कर सकते हैं। क्राइसैंथेमम अगस्त सितंबर से लेके ठंड जाने से पहले तक आपको पर्याप्त फ्लावरिंग देता है। अब अगर इसके फर्टिलाइज़र की बात करें तो आप इसमें FIM या गोबर की खाद डाल सकते हैं। अगर आपने इसे गमले में लगाया है तो 50 ग्राम पर गमला FIM काफ़ी होगा। अगर आपने इसे ज़मीन में लगाया है तो 3 से 5 किलो पर मीटर स्क्वायर आप गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप NPK फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये चीज़ ध्यान रखें कि जो नाइट्रोजन है अगर आप उसे यूरिया के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो ज़्यादा ना लें क्योंकि इससे प्लांट को टॉक्सिसिटी हो सकती है और प्लांट आपका जल सकता है। ऐसे NPK 50 से 60 ग्राम पर मीटर स्क्वायर काफ़ी होगा। और क्राइसैंथेमम के लिए बेस्ट है सरसों की खली का इस्तेमाल करना। क्राइसैंथेमम का जो पौधा है वो सरसों की खली में बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करता है। तो आप थोड़ी सी सरसों की खली 1 लीटर पानी में मिलाइए और एक छोटे मग्घे में अपने प्लांट को सरसों की खली दे सकते हैं। इससे आपका फ्लावरिंग बहुत इम्प्रूव होगा। आई होप आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप भी अपने घर में ऐसे ब्यूटीफुल क्राइसैंथेमम ग्रो करेंगे और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको ऐसे प्लांट रिलेटेड वीडियोस अच्छे लगते हैं देखने में तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।